खबर रीवा से है, जहां रीवा शहर में इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणामों को लेकर अलग अलग पार्टियां अपना जश्न मना रही हैं। और इसी कड़ी में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी अपने मुखिया के जीत पर रीवा शहर में रोड शो कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में राजा भैया का नाम शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जानता ना हो। अभी हाल में ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। और इसी जीत का जश्न मनाने रीवा में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा रोड शो और आतिशबाजी करके पूरे शहर में जश्न का माहौल बनाया। जुलूस में ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, बम पटाखा के अलावा रंग और गुलाल का भी जमकर उपयोग किया गया। वहीं जगह जगह मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल राजा भैया को कह रहे थे कि इस बार गंगा में डुबकी लगाएंगे, वो खुद को अपने घरों में कुंडी लगाकर बैठ गए हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमार रघुराज राजा भैया है, और पहली बार पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और वर्षों से स्थापित दलों के पीछे से पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना दूसरा स्थान जिंदाबाद मतों से माननीय राजा भैया सातवीं बार सदन में पहुंचे और विपक्षी दलों को ऐसी मांग दी जो कह रहे थे कि कुंडा में कुंडी लगाएंगे, वो तो अपने घर में कुंडी लगा के बैठे हुए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। ये राजा भैया के कुशल नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम का नतीजा है कि आज पार्टी उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा विधानसभा वाला प्रदेश है, उस प्रदेश को अपना तीसरा स्थान पार्टी बना चुकी है। और राजा भैया के कुशल नेतृत्व में आगामी वर्षों में पार्टी नाम और पद बता दिए। नाम और पद मेरा नाम तवनेन सिंह गहरवार है, मैं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हूँ और यहाँ जितने भी भाई मेरे सभी उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर धन्यवाद।